हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चरक संहिता सूत्र 1 दीर्घजीवित्यम अध्याय की। चरक संहिता सूत्र 1 दीर्घजीवित्यम अध्याय एंड अष्टांग हृदय एंड अष्टांग संग्रह, इनके चैप्टर 1 का नाम है आयुष कामीय। सुषु संहिता चैप्टर 1 का नाम है वेद उत्पत्ति। सूत्र स्थान को श्लोक स्थान भी कहा गया है। चरक सूत्र 30 से ये लिया गया है। सूत्र स्थान को चरक संहिता का शुभ सिर भी कहा जाता है। अथातो दीर्घजीवित्यम अध्यायम व्याख्या स्यायम, इसमें कितने पद हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 पद हैं। सुश्रुत का जो फर्स्ट चैप्टर है वेद उत्पत्ति, उसमें भी अथातो वेद उत्पत्ति अध्यायम व्याख्या स्याम, उसमें भी 8 पद हैं। अथ शब्द मंगलदायक, मंगल के लिए यूज़ किया गया है। प्राचीन काल में जितने भी ग्रंथों की शुरुआत होती थी उसमें अथ से ही होती थी। विमर्श में बताया गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये कहाँ से लिया गया है श्लोक? वेदांत दर्शन का श्लोक है ये। पुरुषार्थ चतुष्टय बताया गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष, एंड अनुबंध चतुष्टय बताया गया है अभिधेय प्रयोजन संबंध अधिकारी। अनुबंध चतुष्टय है अभिधेय प्रयोजन संबंध अधिकारी। अब दोस्तों, त्रय वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि बहुत इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं हमें। त्रय उपस्तंभ, त्रय उपस्तंभ क्या है? आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य। त्रय स्तंभ क्या है? वात पित्त कफ, इनको त्रय स्थूण या फिर त्रिदोष भी कहा जाता है। त्रिवर्ग क्या है? धर्म अर्थ काम, त्रिस्कंद त्रिसूत्र हेतु लिंग औषध, त्रिदंड सत्व आत्मा शरीर, स्कंद त्रय हेतु दोष द्रव्य, त्रिस्कंद हेतु लिंग औषध, स्कंद त्रय हेतु दोष द्रव्य। त्रिविध हेतु संग्रह किसको कहा गया है? काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम, इनके मिथ्या योग अयोग अति योग को। अथातो धर्म व्याख्या स्याम, ये वैशेषिक दर्शन से मिलता है हमें। एंड अथातो धर्म जिज्ञासा मीमांसा से। अथातो धर्म व्याख्या स्याम वैशेषिक, अथातो धर्म जिज्ञासा मीमांसा से। अच्छा, मीमांसा दर्शन के राइटर कौन थे? जैमिनी, ठीक है। अतो अभ्युदय निश्रय सिद्धि सधर्म, ये धर्म की डेफिनेशन बताई गई है। अब अनुबंध चतुष्टय में 4 आते हैं चतुष्टय। अभिधेय प्रयोजन संबंध अधिकारी, अभिधेय का मतलब क्या होता है? अभिधेय मतलब होता है रोग उत्पत्ति को रोकना, अभिधेय इसके अंडर आ जाते हैं। हेतु दोष द्रव्य, प्रयोजन मीन्स उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है? धातु साम्यता या फिर आतुर के विकार की रक्षा करना, स्वस्थ के स्वस्थ्य की रक्षा करना, एंड संबंध वाच्य वाचक लक्षण को संबंध बोला गया है। एंड इसके बाद आता है अधिकारी। चरक संहिता इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अभिधेय, ठीक है। एंड चरक संहिता सूत्र 4 प्रकार के मिलते हैं, इसमें 4 सूत्र होते हैं, गुरु शिष्य प्रति संस्कृत एंड एक ये सूत्र, मतलब कि 4 सूत्र होते हैं। गुरु मतलब कि गुरु सूत्र, जिसमें जो सूत्र गुरु ने बोला हो, शिष्य सूत्र प्रति संस्कृत सूत्र एक ये सूत्र। अब जैसे कि नैतद बुद्धिमता दृष्टव्य अग्निवेश, ये कौन सा सूत्र है? ये है गुरु सूत्र, गुरु ने बोला। जो शिष्य सूत्र जो अग्निवेश ने बोला, नैतानी भगवान पंचशतानी पूर्यन्ते। ऐसे ही जो प्रति संस्कृत सूत्र है तमुवाच भगवान आत्रे, ये प्रति संस्कृत सूत्र है। और एक ये सूत्र मतलब किसी अन्य आचार्य ने, जो कोई फेमस आचार्य है उसने वो सूत्र बोला हो, दैट इज़ कॉल्ड एक ये सूत्र। फॉर एग्जांपल आचार्य कुमार ने बोला है कुमार से शिरा पूर्वम अभिनिर्वर्तते इति कुमार शिरा भरद्वाज, उन्होंने ये बोला है कि बच्चे में गर्भ में जो बच्चे का जो सिर होता है उसकी उत्पत्ति सबसे पहले होती है। चरक सूत्र में 30 अध्याय हैं, 7 चतुष्क हैं, एक चतुष्क में 4 अध्याय, मतलब 7 चतुष्क, तो टोटल 28 अध्याय। एंड लास्ट के जो 2 अध्याय बचे हैं उसको हम संग्रह द्वय बोलते हैं। ये चतुष्क जिनमें 4-4 चैप्टर्स होते हैं, ये एक कॉमन उद्देश्य को इंडिकेट करते हैं। जैसे भेषज चतुष्क, इसमें भेषज के बारे में बताया है, स्वास्थ्य चतुष्क में दिनचर्या स्वास्थ्य के बारे में बताया है,
ऐसे ही थर्ड में आ जाता है निर्देश चतुष्क, फिर कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, अनुपान चतुष्क एंड देन संग्रह द्वय। भेषज, स्वास्थ्य, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अनुपान, ये सात चतुष्क एंड लास्ट में दो चैप्टर्स हैं जिनको हम संग्रह द्वय बोलते हैं। इसके बाद बात की गई है विद धातु की। विद धातु ये अर्थ चतुष्टय में प्रयुक्त होती है। अब अर्थ चतुष्टय किसको बताया गया है यहाँ पे? ज्ञान, लाभ, विचार, सत्ता, ये यहीं पे लिखा है। इट्स नॉट परमानेंट, ये टेम्प्रेरी यहाँ पे बताया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे जाके क्या आ जाते हैं कि भारद्वाज को इसका पर्याय क्या है और क्या कहा जाता है भारद्वाज को? उग्र तपा, अमित आयु एंड इंद्र को अमरेश्वरम। श्लोक नंबर 4 में आयुर्वेद अवतरण की बात की गई है। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया आयुर्वेद का ज्ञान, फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को एंड देन इंद्र से ज्ञान लिया आयुर्वेद का भारद्वाज ने। विमर्श में ये बताया गया है कि आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि ब्रह्म संहिता ब्रह्मा द्वारा लिखी गई थी। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं इसमें। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा द्वारा लिखी गई थी एंड इसमें 100,000 श्लोक एंड 1,000 चैप्टर्स मिलते हैं। एंड वहीं अष्टांग हृदय में ये बोला गया है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण करके प्रजापति को दिया, मतलब ब्रह्मा ने आयुर्वेद को स्मरण किया। ब्रह्मा आयुर्वेद शाश्वत है, पहले से ही इन्वेंटेड था वो, उसको किसी ने बनाया नहीं है। इवन ब्रह्मा ने भी आयुर्वेद का स्मरण किया, ब्रह्मा स्मृत्व आयुषो वेदम। अब जो जितने भी महर्षि की डिस्कशंस हुई थी उसमें टोटल कितने महर्षि थे? जैसा कि चरक संहिता में सूत्र 1 में ये लिखा हुआ है कि महर्षि 53 प्लस महर्षि थे, मतलब 53 से भी ज़्यादा महर्षि थे। और ये जो डिस्कशन या फिर हम कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत सारे महर्षि आए थे। 53 में से पहला महर्षि का नाम बताया गया है अंगीरा एंड लास्ट में बताया गया है बाल खिल्ले एंड वैखानस। अब इसमें और भी महर्षि थे जैसे कि अगस्त्य ऋषि, ये दक्षिण भारत के थे, साउथ इंडिया, कांकायन, बालहिक एंड बालिक एंड यूनानी, बलक, ये सारे अरब देश के थे। हिरण्याक्ष यूरोप से थे, पेंगी चाइना से थे एंड वैखानस को और क्या कहा जाता है? वानप्रस्था। बाल खिल्ले जो हमने पहले ऋषियों के नाम लिए थे उसमें से बाल खिल्ले शिशु ऋषि भी कहा जाता है उनको। चरक संहिता में सांख्य शब्द टोटल 5 बार यूज़ हुआ है, इतिहास शब्द 2 बार यूज़ हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम साधनम यता, ये रेफरेंस हमें चरक सूत्र 1 में मिलता है। मतलब कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों का आरोग्य के बिना कोई मतलब नहीं है, वे व्यर्थ हैं। अगर आरोग्य ही नहीं है तो इन चारों का कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है। धर्म अर्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम साधनम यथा, ये चरक सूत्र 1 एंड वहीं पे धर्म अर्थ काम मोक्ष शरीरम साधनम यथा, ये मिलता है हमें षाणंदर पूर्व 5 में। और इसमें जो सुश्रुत आचार्य हैं उन्होंने सुश्रुत निदान 19 में धन्वंतरी को अमर गुरु बताया गया है, अमरेश्वर इंद्र को बताया है, अमर गुरु बताया है धन्वंतरी को। और यहीं पे आप देखेंगे कि नीचे दिया हुआ है नोट्स में यम और नियम की बात की गई है। यम और नियम की बात करें दोस्तों तो पतंजलि आचार्य ने योग दर्शन बुक में 5 यम बताए हैं, 5 नियम बताए हैं। 5 नियम कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आस्थे, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। नियम 5 कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्रणिधान। इंद्र के पर्याय बताए गए हैं सहस्त्राक्ष, शचीपति, शक्र, बल, हंताराम, सुरेश्वरम, शतक्रतु, अमर प्रभु, अमर गुरु धन्वंतरी, अमर प्रभु इंद्र। 24वें श्लोक में बात की गई है त्रिसूत्र, त्रिसूत्र या त्रिस्कंद, मतलब हेतु लिंग औषध, स्कंद त्रय हेतु दोष द्रव्य। अब त्रिसूत्र, 3 सूत्र जो हैं वो हैं हेतु लिंग औषध। इसमें हेतु सूत्र कौन कौन से हैं? काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थानाम, इनके जो मिथ्या योग हैं, काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थ।
लिंग सूत्र है पूर्व रूप रूप उपशय अनुपशय संप्राप्ति, एंड औषध सूत्र है औषध द्रव्य को ही कहा गया है औषध सूत्र, और इसमें तीन प्रकार के आते हैं किंचित दोष प्रदूषणम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृतो मृतम। सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें कौन सा है तीनों सूत्र में से, तो लिंग सूत्र है मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीनों सूत्र में से। 25वां श्लोक इसमें बताया गया है महामति वर्ड जो भारद्वाज के लिए यूज़ किया गया है भारद्वाज में। इसके बाद 26वें श्लोक में बताया गया है भारद्वाज ने अमित आयु को प्राप्त किया आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके, अमित आयु भारद्वाज के लिए ही यूज़ किया गया है। उसके बाद आयुर्वेद की डेफिनेशन बताई है वेदम वर्धनम आयुष। अब इसके बाद बात करते हैं षट पदार्थ की। षट पदार्थ की बात हुई है चरक में सूत्र 1 में, एंड दूसरी जगह बात हुई है पदार्थ में वैशेषिक दर्शन से षट पदार्थ लिए गए हैं। दोनों में षट पदार्थ सेम बताए हैं बट सीक्वेंस डिफरेंस है। चरक में जो षट पदार्थ है वो है सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, एंड जो पदार्थ में बताए गए हैं वो है द्रव्य गुण कर्म समवाय सामान्य विशेष समवाय, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। क्योंकि चिकित्सा सूत्र में मेन सिद्धांत जो है वो सामान्य और विशेष है, तो इसीलिए चरक सूत्र में सामान्य और विशेष को पहले रखा गया है। और इसी श्लोक में शर्म वर्ड यूज़ आता है, और इसका क्या मतलब होता है कल्याण। नेक्स्ट 31वें श्लोक में पुनर्वसु आत्रेय ने आयुर्वेद का ज्ञान अपने 6 शिष्यों को दिया, अग्निवेश पराशर भेल जतुकर्ण हारित शारपाणी। वाग्भट ने जहाँ चरक ने ये बताया कि इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया भारद्वाज ने, वहीं वाग्भट ने अष्टांग हृदय सूत्र 1 में बताया कि इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया आत्रेय ने। इसके नेक्स्ट में बताया गया 32वें श्लोक में कि ज्ञान प्राप्त करके अग्निवेश ने एक बुक लिखी थी, क्योंकि उसको तेज बुद्धि शिष्य माना जाता था, इसलिए उसको तंत्र कर्ता भी कहा गया। तो उसकी बुक देखकर सभी देवताओं ने अहो साधु मतलब खुशी जताई, और इन देवताओं में से 8 ज्ञान देवता थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि 8 ज्ञान देवता कौन कौन से थे, बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा कीर्ति क्षमा दया। चरक सूत्र 1/41 में आयुर्वेद की डेफिनेशन दी गई, एंड चरक सूत्र 30/23 में भी आयुर्वेद की डेफिनेशन दी गई। अब इसमें फ़र्क क्या है दोस्तों, फ़र्क ये है कि ये जैसे डेफिनेशन है ना, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानन चित्तच यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्चयते। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो हिता हितम 2 बार यूज़ हुआ है, तो फर्स्ट वाला हिता हितम सुखम दुखम, फर्स्ट वाला हिता हितम आयु के लिए यूज़ होता है, एंड इसी श्लोक में जो सेकंड वाला हिता हितम है वो पथ्य अपथ्य के लिए यूज़ होता है। एंड फ़र्क ये है कि इसमें हित अहित आयु और आयु का लक्षण डिटेल में जो एक्सप्लेन है वो चरक सूत्र 1 में नहीं बल्कि चरक सूत्र 30 में एक्सप्लेन्ड है। इस आयु का लक्षण एंड हित अहित आयु के बारे में चरक सूत्र 30 में एक्सप्लेन्ड है, चरक सूत्र 1 में नहीं है, ये चीज़ याद रखने वाली है। एंड 42 श्लोक में बताया है आयु के लक्षण, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग धारी जीवितम अनुबंधश्च पर्यायश्च उद्धयते। मतलब शरीर इंद्रिय मन और आत्मा का जो संयोग होता है उससे लाइफ क्रिएट होती है। यहाँ पे आयु के जो पर्याय है नित्यक एंड अनुबंध, नित्यक एंड अनुबंध की बात करें तो चरक ने काल के 2 भेद बताए हैं, नित्यक एंड अवस्थिक। नित्यक मतलब रूटीनली जो डेली टाइम चलता है, अवस्थिक मतलब कि जो किसी ओकेशन को इंडिकेट करता है, स्पेशल ओकेशन को, दैट इज़ अवस्थिक। एंड अनुबंध की बात करें तो दोष के 2 भेद बताए हैं, अनुबंध एंड अनुबांधिक। अनुबंध मतलब प्रधान दोष, अनुबांधिक मतलब अप्रधान दोष। 43 श्लोक में आयुर्वेद को एक पुण्यतम वेद बताया गया है। मतलब एक क्वेश्चन आता है कि आयु का पुण्यतम वेद कौन सा है, तो इसका आंसर होगा आयुर्वेद, क्योंकि ये लोक और परलोक दोनों के लिए हितकारी है। इवन नंदी पुराण में
ये बताया गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए अरोग्य ही साधन है। नेक्स्ट में आ जाता है सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम हेतु ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूप यतस्य तु। इसमें सामान्य और विशेष की परिभाषा बताई गई है। सामान्य वो है जो कि वृद्धि का कारण होता है, दो चीज़ अगर सेम होएंगी तो उसमें उसमें इंक्रीमेंट होएगा ही होएगा। एंड विशेष जो होता है वो ह्रास का कारण होता है। चक्रपाणी ने सामान्य के तीन भेद बताए हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, और विशेष के भी यही तीन सेम भेद बताए हैं। एंड कई बार क्वेश्चन में श्लोक रख के भी पूछ लेते हैं कि ये श्लोक कौन से टाइप के सामान्य के लिए कहा गया है, जैसे कि सर्वदा सर्वभावनाम ये श्लोक है, ये द्रव्य सामान्य के लिए कहा गया है। आइए अब एग्जांपल्स देखते हैं। द्रव्य सामान्य, मांस खाने से मांस बढ़ना। गुण सामान्य, दूध या घी लेने से शुक्र का बढ़ना। कर्म सामान्य, वायु का कार्य चंचलता होता है, तो कर्म सामान्य में क्या आ जाएगा, दौड़ने से वायु में इंक्रीमेंट होना। एंड कफ का जो कार्य होता है वो है स्थिरता, तो सोने से कफ बढ़ना, ये कर्म सामान्य में आ जाते हैं। सामान्य को भट्टार हरीशचंद्र ने सामान्य के तीन भेद बताए हैं, अत्यंत, मध्य, एक देश, और न्याय दर्शन में सामान्य के दो भेद बताए हैं, पर सामान्य, अपर सामान्य। 45 श्लोक। सामान्यम एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथकत्व कृत तुल्य अर्था ही सामान्य विशेषस्तु विपर्य। सामान्यम एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथकत्व कृत तुल्य अर्था ही सामान्य विशेषस्तु विपर्य। मतलब सामान्य एक कार्य करता है, विशेष पृथक पृथक कार्य करता है। सामान्य तुल्य अर्थ को बतलाता है, विशेष विपरीत अर्थ को बतलाता है। इस श्लोक में सामान्यम एकत्व कर्म ये किसके अंडर आएगा, गुण सामान्य के अंडर। विशेषस्तु पृथकत्व कृत ये गुण विशेष के अंडर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये पूछे जाते हैं। तुल्य अर्थ ही सामान्य कर्म सामान्य के अंडर आएगा, विशेषस्तु विपर्य कर्म विशेष के अंडर आएगा। न्याय ने सामान्य का लक्षण क्या माना है, नित्यत्वे सति अनेकम अनुगतम सामान्यम। मतलब नित्य होते हुए भी जो अनेकों में रहने वाला होता है। अब आ जाइए त्रिदंड। त्रिदंड क्या है, सत्व आत्मा शरीर, और इसी को हम लोक भी बोलते हैं, इसी को पुमान बोलते हैं, एंड इसी को आयुर्वेद का अधिकरण बोलते हैं, लोक पुमान आयुर्वेद का अधिकरण। द्रव्य की गणना, ये जो श्लोक है 48th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं एंड श्लोक रख के फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछा जाता है। खादिन्य आत्मा मन काल दिशश्च द्रव्य संग्रह स इंद्रिय चेतनम द्रव्य निरेंद्रिय चेतनम। इसमें कारण द्रव्य बताए गए हैं, कारण द्रव्य कितने होते हैं, 9। खादिन्य मतलब पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये 9 कारण द्रव्य, और स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरेंद्रिय चेतनम ये कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य में क्या जाता है, अचेतन और चेतन। अब चेतन में बाह्य चेतन, अंतः चेतन। बाह्य चेतन मतलब जिसमें बाहरी चेतना हो, जिसमें मूवमेंट हो सकती है, इसमें आ जाता है बाह्य चेतन में जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भितज। और अंतःचेतन में मतलब जिसमें इंटरनल लाइफ तो होती है बट बाहरी चेतनता नहीं होती, मूवमेंट नहीं हो सकती, जो एक ही जगह खड़े रहे, अंतःचेतन। वनस्पति विरुद्ध वनस्पति औषध, ठीक है। गुण, गुण कितने टोटल माने गए हैं, 41। सार्था गुरुवाद्य बुद्धि प्रयत्नता पराधे। सार्था कितने, 5। गुरुवाद्यो 20। बुद्धि मतलब आध्यात्मिक गुण 6। प्रयत्नता 5। पराधि गुण 10। टोटल 41 गुण। इसका हम डिटेल में पदार्थ विज्ञान के एपिसोड में देखेंगे। सार्था गुण को इंद्रिय गुण भी बोला जाता है और ये 5 होते हैं। गुरुवादी गुण मतलब शारीरिक गुण 20। अध्यात्म गुण
6, प्रयत्नता 5। प्रयत्नता जो 5 हैं इसमें क्या क्या आ जाते हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, और अगर इसी में ही बुद्धि ऐड कर दिया जाए तो ये 6 आध्यात्मिक गुण बन जाते हैं। परादि मतलब सामान्य गुण भी बोलते हैं इनको, ये हैं 10। पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिमाण संस्कार अभ्यास, ये परादि गुण हैं 10, इसको सामान्य गुण भी बोला जाता है। 49th श्लोक में बोला है कि प्रयत्न के द्वारा की गई चेष्टा कर्म कहलाती है, मतलब कर्म की डेफिनेशन दी है प्रयत्न के द्वारा की गई चेष्टा। अब दोस्तों देखते हैं कि चरक संहिता में कर्म की डेफिनेशन और कहां कहां दी गई है। चरक सूत्र 26 में कर्म की डेफिनेशन दी है, कर्म पंचविधम उक्तम वमनादि, वमन विरेचन आदि जो 5 कर्म हैं इन्होंने चरक सूत्र 26 में 5 प्रकार के कर्म बताए हैं। और चरक विमान 3 में दृष्टम ही त्रिविधम कर्म, 3 कर्म बताए हैं चरक विमान 3 में, 3 कर्म कौन से, हीन मध्यम उत्तमम। कणाद, कणाद ने 5 कर्म बताए हैं, उत्पेक्षण अपेक्षण अकुंचन प्रसारण गमनीति कर्माणी, उत्पेक्षण अपेक्षण अकुंचन प्रसारण गमन, ये 5 कर्म बताए हैं। अब गमन के भी आगे 5 भेद होते हैं। सामान्य का लक्षण क्या है, सामान्य का लक्षण है जो हमेशा साथ रहे, अपृथक हो, समवायो अपृथक भावो, सनित्य, नित्य संबंध को समवाय बोला गया है। विमर्श में यहाँ लिखा है कि कारिकावली ये किसने लिखी थी, श्री विश्वनाथ ने। वैशेषिक दर्शन में अपृथक भूत संबंध की जगह एक वर्ड यूज़ किया गया है अयत सिद्ध, इसको समवाय के लिए यूज़ किया गया है। समवाय संबंध के लिए अब कितने वर्ड्स हो गए, अयत सिद्ध, अपृथक भाव, अतीन्द्रिय, नित्य, ये 4 वर्ड्स हैं। समवाय संबंध में समवाय द्रव्य का नाश होने पर भी समवाय संबंध का नाश नहीं होता, मतलब द्रव्य का नाश हो जाता है लेकिन समवाय संबंध का नाश नहीं होता। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत्तद् द्रव्यम, ये द्रव्य की परिभाषा दी गई है। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत्तद् द्रव्यम, जिसके कर्म गुण, जिसमें कर्म और गुण आश्रित हैं और जो कर्म और गुण का समवाय कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की परिभाषा सुश्रुत सूत्र 40:3 में भी मिलती है, द्रव्य लक्षणंतु क्रिया गुणवत् समवाय कारणम। इसके बाद भाव प्रकाश ने भी द्रव्य की परिभाषा दी है, रसादिनाम पंचानाम भूतानाम यद्र आश्रितिम तद् द्रव्यम क्रिया गुणवत् समवाय कारणमिति द्रव्यम लक्षणम। इसके बाद आ जाते हैं गुण के लक्षण। समवाय तु निश्चेष्ट कारणम गुण, मतलब गुण संयोग और विभाग में कारण नहीं होता, जो निश्चेष्ट है संयोग और विभाग में कारण नहीं है। कार्य द्रव्य की उत्पत्ति तीन, उस कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। अब समवायी क्या होता है, समवायी मतलब कि जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, मतलब जैसे अगर कुम्हार घड़े को बना रहा है तो घड़े को बनाने के लिए क्या चाहिए, मेन इंग्रेडिएंट मिट्टी, तो मिट्टी जो है दैट इज़ समवायी। असमवायी जो होता है जो कार्य कारण को आपस में मिलाता है, मतलब कि मिट्टी से घड़ा बनेगा लेकिन मिट्टी के पार्टिकल्स को आपस में बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, एक बॉन्डिंग फोर्स जो होता है वो करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो घड़ा बनेगा। तो जो वो बॉन्डिंग फोर्स होता है उसे हम असमवायी कहते हैं, जो कार्य द्रव्य और कारण को आपस में मिलाता है। अब जैसे टेलर कपड़ा बनाता है तो कपड़ा बनता है फाइबर से, मेन इंग्रेडिएंट फाइबर है, तो फाइबर क्या हुआ, समवायी, और फाइबर जो तंतु होते हैं आपस में मिलके फिर कपड़ा बनता है, जो वो बॉन्डिंग्स हैं वो बॉन्डिंग्स को हम असमवायी बोलते हैं। और निमित्त क्या होता है, जो मतलब कि दोनों से, जो समवायी असमवायी दोनों से भिन्न होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे निमित्त क्या होएगा, टेलर या फिर जो कुम्हार जो घड़े को मिट्टी से बनाता है,
ठीक है, या फिर जो कोई भी मशीन, मतलब जो जिससे वो द्रव्य बनता है उसे हम निमित्त में काउंट करेंगे। अब कणाद ने क्या बताया है, कणाद जी ने बताया कि संयोग और विभाग में कारण गुण नहीं होता, संयोग और विभाग में कारण कर्म होता है, और कर्म को कारण की अपेक्षा नहीं करनी होती। कर्म दो तरह का होता है, अलौकिक कर्म और एक पारलौकिक कर्म। संयोग और विभाग में कर्म जो होता है वो स्वतंत्र कारण होता है, गुण कारण नहीं होता। लौकिक कर्म तीन प्रकार के होते हैं, सत्प्रत्यय, अप्रत्यय, असत्प्रत्यय। सत्प्रत्यय मतलब कि जो ज्ञान पूर्वक कर्म किया जाता है, असत्प्रत्यय अज्ञान पूर्वक, और अप्रत्यय मतलब जो अचेतन। ठीक है, अब कर्म, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्म कितने प्रकार के हैं, तो फर्स्ट चॉइस आएगी पांच भेद होते हैं इसके, एंड सेकंड में आएगा तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ छठ पदार्थ को भी कारण कहा गया है। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या है, यहाँ पे आयुर्वेद का प्रयोजन नहीं पूछा, यहाँ पे तंत्र का प्रयोजन बताया गया है। आयुर्वेद तंत्र का, इसका प्रयोजन क्या है, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य आस्य प्रयोजनम्, धातु साम्य क्रिया आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है। अच्छा, रोगों के त्रिविध कारण क्या हैं, मिथ्या योग, अयोग, अति योग, इसको त्रिविध हेतु संग्रह भी कहते हैं। हेतु चतुष्टय क्या है, ये चरक शरीर 2/130 में बताया गया हेतु चतुष्टय, समयोग, अयोग, अतियोग, मिथ्या योग। यहाँ पे समयोग सुख का कारण बताया है, अयोग, अतियोग, मिथ्या योग दुख का कारण बताया है। हेतु के भेद तीन हैं, अदरवाइज चरक विमान में हेतु के भेद चार बताए गए हैं, समयोग, अयोग, अतियोग, मिथ्या योग। हेतु चतुष्टय रोग अरोग दोनों का कारण होता है, क्योंकि इसमें संयोग हो गया आरोग्य का कारण, और बाकी जो तीन है वो रोग का कारण हो गए। और इसमें डिफरेंस क्या है, चरक ने हेतु चतुष्टय में अयोग वर्ड यूज़ किया है, एंड विमान स्थान में हीन योग, सॉरी वाग्भट ने हीन योग यूज़ किया है अयोग की जगह हेतु चतुष्टय में। रोग और व्याधि का आश्रय क्या है, रोग और व्याधि का आश्रय है सत्व और शरीर, और यही सुख का आश्रय भी है। शरीर में सुख भी होता है और शरीर में रोग भी होते हैं। सुख का कारण क्या बताया था, संयोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वेदना का आश्रय क्या है, रोग का आश्रय सत्व और शरीर, वेदना का आश्रय कितने होते हैं, तीन, तीन होंगे, शरीर, मन और इंद्रिय। ये आपको इसका रेफरेंस मिलता है चरक शरीर 1/36 में, शरीर, मन, इंद्रिय वेदना का आश्रय कहलाते हैं। त्रिदंड, त्रिदंड क्या है, सत्व, आत्मा, शरीर। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि त्रिदंड में सत्व और शरीर तो हो गए रोग का कारण, लेकिन आत्मा वो रोग का कारण नहीं है, रोग का सॉरी ये रोग का आश्रय नहीं है, क्योंकि आत्मा को निर्विकार नित्य बताया गया है, सुख दुख से रहित जो होती है निर्विकार, और चैतन्य का कारण जो होती है। और इसका जो श्लोक है वो है, निर्विकार परस्त्वात्मा सत्व भूत गुणे इंद्रिय चैतन्य कारण, ये इस ऐसा करके ये श्लोक है। अब चरक सूत्र में तो ये शब्द यूज़ किया गया है आत्मा के लिए निर्विकार, और चरक शरीर में 4/33 में निर्विकार की जगह जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ निर्विशेष। ठीक है, चरक सूत्र में निर्विकार, चरक शरीर में निर्विशेष। दोष कितने होते हैं, वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। दोष होते हैं पाँच, दोष होते हैं तीन, दोष होते हैं दो, ये सारे ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। पाँच कौन से होते हैं, वात, पित्त, कफ, रज, तम। दो कौन से होते हैं, शारीरिक, मानसिक। तीन कौन से होते हैं, वात, पित्त, कफ। सभी व्याधियों के तीन मूल कारण होते हैं वात, पित्त, कफ, ऐसा सुश्रुत सूत्र 24 में बताया गया है। शारीरिक दोष की चिकित्सा कैसे करते हैं, देव और युक्ति व्यापाश्रय औषध से ठीक होते हैं शारीरिक दोष। और मानसिक दोष की चिकित्सा ये अलग अलग आचार्य ने बताई है। चरक ने मानसिक दोष चिकित्सा सूत्र बताया है, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि। और जब हम समाधि की जगह वीर्य यूज़ करते हैं तो वो
किसके द्वारा बताया गया चिकित्सा सूत्र हो जाता है, काश्यप की जगह, काश्यप ने समाधि की जगह वीर्य शब्द यूज़ किया है। सुश्रुत सूत्र 1 में मानसिक चिकित्सा का जो आंसर बताया गया है वो क्या है, शब्दादि रिष्टो वर्ग सुखावा, मतलब कि सुखकारी शब्द रूप रस गंध इनका प्रयोग करना, मानसिक चिकित्सा में इनका प्रयोग करना चाहिए। वाग्भट ने मानसिक रोगों का चिकित्सा सूत्र बताया है अष्टांग हृदय सूत्र 1 में, धी धैर्य आत्मा आदि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, धी धैर्य आत्मा आदि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। रोग 3 प्रकार के होते हैं, दोषज कर्मज दोष कर्मज। यहाँ पे ये इसलिए बताया गया है क्योंकि दैव व्यपाश्रय चिकित्सा की इम्पोर्टेंस जानने के लिए। अब दोषज कर्म कौन से होते हैं, दोषज रोग कौन से होते हैं, सॉरी, दोषज रोग होते हैं जिसमें दोष इन्वॉल्व होते हैं, कर्मज रोग होते हैं जिसमें पाप कर्म इन्वॉल्व होते हैं, एंड दोष कर्मज होते हैं जिसमें दोष और पाप दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कर्मज रोगों में दैव्यपाश्रय चिकित्सा की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हेतु अल्प है, मतलब कोई कारण है बहुत ही छोटा है, और रोग बहुत ही ज़्यादा प्रबल बहुत महान है, तो वो किसके अंडर आएगा, दोष कर्मज के अंडर, जहाँ पे दोष भी इन्वॉल्व है एंड पाप कर्म भी इन्वॉल्व है। एंड सेकंड में अगर कोई हेतु नहीं है, विदाउट एनी कारण अगर रोग हो रहा है, दैट इज़ कर्मज, पाप कर्म के कारण। नेक्स्ट बताए गए हैं वात के गुण, वात के गुण कितने होते हैं, 7 रूक्ष शीतो लघु सूक्ष्मश्च शलोत विशद खर, ये अंशांशिक कल्पना में काम आते हैं, कौन से दोष का, कौन सा अंश प्रकोपित हुआ है। अगर उसका रूक्ष गुण प्रकोपित हुआ है तो उसके ऑपोजिट में स्निग्ध गुण वाली औषधि देंगे तो रिजल्ट हमें 100% मिलेगा। अगर आप उष्ण औषधि वातज रोगों में देते रहेंगे जबकि उसका जो अंश है वो स्निग्ध वाला अंश प्रकोपित हुआ है तो आप उसकी रूक्षता को ख़त्म नहीं कर पाएंगे एंड रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये पॉइंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंशांशिक कल्पना, इसको अप्लाई करना सीखेंगे तो रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे, आपका निशाना कभी नहीं चुकेगा। अच्छा, वाग्भट ने ये जो चरक ने गुण बताए हैं उसमें कौन सा गुण है जो वाग्भट ने नहीं बताया, वो है विशद। वाग्भट ने 7 की जगह 6 गुण बताए हैं, विशद गुण नहीं बताया। चरक सूत्र 12 में कुश वैद ने वात के 6 गुण बताए हैं, उसने दारुण गुण बताया है और सूक्ष्म और चल गुण नहीं बताया, दारुण गुण बताया, सूक्ष्म और चल गुण नहीं बताया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें हम इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।